हेलो बच्चों, वेलकम टू रेड क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आई हैव टोल्ड यू टू अटेम्प्ट द एक्सरसाइज 2.2। देखिए, हम हर बार आपको बोलते हैं वर्ड अटेम्प्ट, कभी भी हमने ये नहीं बोला कि सॉल्व करके, अटेम्प्ट करके। देखिए, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अटेम्प्टिंग एंड सॉल्विंग। ये एटीट्यूड की प्रॉब्लम होती है कि आपका एटीट्यूड अटेम्प्टिंग है या सॉल्विंग है। देखिए, जिसका एटीट्यूड अटेम्प्टिंग होता है वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होता है। जैसे हमने आपसे एक्सरसाइज 2.2 कहा कि आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, आई मेंट टू से दैट कि आप हर क्वेश्चन को पढ़िएगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि आप क्वेश्चंस को कर ले जाएं। यदि आप कर ले जाते हैं, इट्स वेल एंड गुड, यू डेफिनेटली डिजर्व यू नो प्रेज। अगर नहीं कर पाते हैं, तो एटलीस्ट यू विल अंडरस्टैंड कि कहां पे दिक्कत आ रही है। ठीक, तो जब आप अटेम्प्टिंग के एटीट्यूड से किसी एक्सरसाइज या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो एट दैट टाइम यू स्टार्ट एनालाइजिंग योरसेल्फ। उस टाइम आप ये जज नहीं करते हैं कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता, वो मुझे कुछ नहीं आता। आप जज नहीं करते हैं, आप एनालाइज करते हैं। और एनालाइजिंग में ये अंतर होता है कि आपको ये पता चलता है कि आपकी गलतियां क्या है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर looking at the solution or you're looking at the discussion of the exercises, you get to know the proper way to solve the questions. लेकिन अगर आप सॉल्विंग के एटीट्यूड से क्वेश्चंस को करते हैं, मतलब नहीं मुझे तो करना है करना है करना है, जैसे क्वेश्चन नहीं हुआ, एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दो क्वेश्चन नहीं हुआ, टेंशन में, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। This should not be the attitude. Your attitude should be कि हमें exercise attempt करनी है, पूरी attempt अपना 100% देके करना है। अगर हम successful हो गए सारे questions करने में, well and good, you can proceed to the next video. अगर नहीं कर पाए तो जहां जहां आप फंसे उन questions को skip करो। देखिए, हम ये भी नहीं कहते भाई हमारा पूरा video देखिए आप, हमारा video आप सिर्फ उतना देखिए जितनी जरूरत हो, जो theory बताते हैं वो देख लिया करिए पूरा, उसमें मत कोताही करिए, otherwise थोड़ी problem हो जाएगी। लेकिन जो exercise का discussion है, अगर आपने करा, आपने करा एक्सरसाइज और आपसे पूरी एक्सरसाइज हो गई है, कोई क्वेश्चन नहीं फंसा है, तो यू कैन वेरी वेल स्किप दिस वीडियो एंड यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टार्ट वॉचिंग दैट। लेकिन जब तक आप नहीं कर पाए हैं, तब तक आपको सारे क्वेश्चंस देखने ही हैं जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 1। आई होप यू ऑलमोस्ट हैव अटेम्प्टेड इट। क्वेश्चन नंबर, पहले तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जिसको एक्सरसाइज में दो ही क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन को एकदम सेम ही कॉन्सेप्ट बनाया गया है। एक क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको क्वाड्रेटिक्स दी हुई हैं, उन क्वाड्रेटिक्स के रूट्स निकालने हैं, और रूट्स निकालने के बाद आपको वेरीफाई करना है कि जो रिलेशन हमने आपको बताया था बिटवीन द कोएफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक ए बी एंड सी एंड द रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो वेरीफाई होता है या नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि उसमें रूट्स दे दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि भैया ए बी सी की वैल्यूज निकालो और क्वाड्रेटिक फॉर्म करो। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट। उसके ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल है, लेकिन आप जो एनसीईआरटी में दिया होता है वही करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो स्कूल में बताया जाता है करिए। एवरी मेथड इज वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी एंटरटेनिंग। ठीक, इसलिए सारे मेथड्स को ही आप समझ लीजिए, सब वही है, एक कोई इधर से घूमता है कोई उधर से घूमता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 1। पार्ट 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपके क्वाड्रेटिक है। देखिए, जब आपने 8th क्लास के वीडियोस देखे होंगे हमारे, अगर आपने देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो हम अभी बता देते हैं कि देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ये जो दिया हुआ है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक, जब हम इसको किसी कॉन्स्टेंट क्वांटिटी के और जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो ये एक इक्वेशन बन जाती है। अंतर यह होता है कि इस एक्सप्रेशन में आप x की अपने मन से कुछ भी वैल्यूज पुट करते रहिए, यू विल बी गेटिंग अ वैल्यू ऑफ y। ठीक, लेकिन अगर आप इसको किसी कांस्टेंट से इक्वेट कर देते हैं तो यह हर वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ट्रू होता है। तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन के लिए x की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज ही चाहिए होती हैं। एक्सप्रेशन, आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। अब आते हैं, यहां पर एक टर्म यूज किया गया है, जीरोज। ये सब हम आपको थोड़े दिन पहले ही बताए हैं। जीरोज मतलब होता है ऐसी एक्स की वो वैल्यू जो इसको जीरो कर दें, जो इसको जीरो कर दें। तो देखिए, वी हैव टू फाइंड आउट
the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो अब इस quadratic को zero करना है तो हम क्या करेंगे, इसको equal to zero कर देंगे, ठीक। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई first एक आपको fx दिया हुआ है is equal to x square minus 8x minus 2, आपको क्या निकालना है, f of x equal to zero, zero जो है polynomial, तो हम ये कहेंगे कि x square minus 2x minus 8 equal to zero। अब हमें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है और इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कन्वर्टिंग इनटू परफेक्ट स्क्वायर, ये सब मेथड्स बताए गए होंगे, जिस मेथड में भी आप एक्सपर्ट हैं उससे इसको सॉल्व करिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट कितना हो, प्रोडक्ट माइनस 8 हो और सम कितना हो, माइनस 2 हो। तो नंबर सीधे सीधे दिख रहे हैं, माइनस 4 प्लस 2, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई करिए माइनस 8, तो नंबर्स मिल गए माइनस 4 एंड प्लस 2। तो चलिए अब इसको फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं। यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, इसमें इसको हमने लिख दिया माइनस 4x प्लस 2x, तो यह आ गया आपका x टाइम्स x माइनस 4 प्लस 2 टाइम्स x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x माइनस 4 अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां से x और यहां से प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको 0 होने के लिए, इसको 0 होने के लिए इधर इधर x माइनस 4 इक्वल टू 0 होना चाहिए और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहां से हम कहेंगे कि x की वैल्यू या तो 4 पुट कर दीजिए या x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपको जीरोज मिल गया, देयरफोर जीरोज अल्फा एंड बीटा आर, अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देयरफोर अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8, ठीक। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके एक्सप्रेशन में, आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, a की वैल्यू, a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। देखिए हम इसको आप कंपेयर किससे करते हैं, पहला क्वेश्चन है, मैं डिटेल में करवा देते हैं। तो कंपेयर करना हो तो आपको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, ये आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इससे आप इसके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करिए। x स्क्वायर के साथ यहां a की जगह क्या लिखा हुआ है, 1, b की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 2, c की जगह क्या लिखा हुआ है, माइनस 8, ठीक है। रिलेशन जो हमको वेरीफाई करना है वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की वैल्यू पुट करिए तो माइनस ऑफ माइनस 2 बाई ए इज 1 विच इज इक्वल टू प्लस 2। क्या ये दोनों सेम आए, अल्फा प्लस बीटा यहां से भी प्लस 2 आया है और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यहां से भी प्लस 2 ही आया है, तो एक रिलेशन तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा पे आते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा सी बाई ए, तो सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 8, ए की वैल्यू अभी भी 1, तो ये आपका आ गया माइनस 8। चेक करिए क्या पहले भी हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो जीरो से मिला है वो सेम है, बिल्कुल सेम है। यहां से हमें अल्फा बीटा माइनस 8, यहां से भी माइनस 8, तो हमने इसके रूट्स भी निकाल लिए और इसको वेरीफाई भी कर लिया कि जो भी रिजल्ट आपने देख लिखा था वो एकदम सही है, ठीक है बच्चों, लेट मी क्लियर अप द बोर्ड। तो चलिए अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट सेज द क्वेश्चन इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, मतलब यहां पर जो आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, इसको फैक्टराइज करना होता है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाइए, लेकिन इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर
माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 2s माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब बेसिकली देखिए इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि अगर हमने ये लिखा तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, सॉरी ये एफ एस लिखिएगा, फंक्शन इन एस है, तो एफ एस इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा कि 2s माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो ये आपका आ गया 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो और s इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक, लेकिन जब परफेक्ट स्क्वायर है, जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि इसके रूट्स रिपीटेड है, रिपीटेड है मतलब ये आपने ये लिखा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको पहले ऐसे लिखना पड़ेगा 2s माइनस वन इंटू 2s माइनस वन, यही लिखा है ना। अब आपने जब रूट लिया, आपने जब रूट लिया तो इसमें से एक फैक्टर को आप इग्नोर कर दे रहे हैं, बेसिकली ये है क्या, दो प्रोडक्ट, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रोडक्ट हमारे थियोरिटिकली, थियोरिटिकली लॉजिकली भले कुछ भी हो कि इसकी सेम वैल्यू मिलेगी, लेकिन थियोरिटिकली हम यहाँ पे दो वैल्यू, दो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर जीरो होगा तो भी प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, ये फैक्टर जीरो होगा तो भी प्रोडक्ट जीरो होगा, तो हम ये कहेंगे कि 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो और 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से भी s की वैल्यू कितनी आ गई 1 बाई टू एंड s की वैल्यू यहां से भी कितनी आ गई 1 बाई टू। तो हम ये कहते हैं कि जब आपका एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर काइंड का होता है तो आपको रिपीटेड मतलब सेम ही चीज दो बार मिलती है, तो इसके रूट्स अल्फा 1 बाई टू बीटा भी 1 बाई टू, दो रूट्स हैं, मतलब इस कंफ्यूजन में मत कोई पड़ जाए कि भैया इसका तो एक ही रूट आया, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स डेफिनेटली आने ही आने हैं। ठीक, एक n डिग्री इक्वेशन के n एग्जैक्टली n रूट्स आते हैं, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, n से कम आते हैं तो रिपीटेड होंगे, n से ज्यादा हो नहीं सकते, n से ज्यादा होंगे तो वो एक आइडेंटिटी बन जाता है। चलिए अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आया 1 बाई टू प्लस 1 बाई टू विच इज इक्वल टू 1 बाई सॉरी 1 हाफ प्लस हाफ 1 हो गया एंड अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया 1 बाई टू इंटू 1 बाई टू विच इज इक्वल टू 1 बाई फोर। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एस वो क्या है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको अगर हम कंपेयर करें किससे ए एस स्क्वायर माइनस बी एस प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, b की वैल्यू माइनस 4, c की वैल्यू 1। ठीक, चेक करते हैं एज पर द रिलेशन गिवन टू यू बिटवीन रूट जीरो ऑफ द इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द इक्वेशन, आपको मिलता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू बी की वैल्यू माइनस 4, तो माइनस ऑफ माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए 4 कितना आ गया 1, और अल्फा इंटू बीटा कितना आता है सी बाई ए विच इज इक्वल टू 1 बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 बाई 4। क्या ये दोनों सेम आए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 बाई 4, दोनों सेम आ गए, इसका मतलब जो रिजल्ट हमें वेरीफाई करना था वो हमने वेरीफाई भी कर दिया। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x, सबसे पहले क्या करना है फैक्टराइज, तो फैक्टराइज कर दीजिए थर्ड पार्ट f ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ठीक, ये आपकी क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने के लिए इसके नंबर्स क्या क्या होंगे, देखिए प्रोडक्ट है 18 माइनस और सम है माइनस 7, तो ऐसे दो नंबर्स जिनका की प्रोडक्ट माइनस 18 हो और सम माइनस 7, तो 9 एंड 2 दिख रहा है 9 इंटू 2 जाए 18, 9 माइनस 2 इज 7, तो माइनस 9 एंड 2, चेक कर लीजिए माइनस 9 इंटू प्लस 2 इज माइनस 18, माइनस 9 प्लस 2 इज माइनस 7, तो माइनस 9 एंड प्लस 2, फैक्टराइज करना स्टार्ट करते हैं इसको, तो ये आपका आएगा 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इसमें से क्या कॉमन लेंगे 3x, 3x कॉमन लीजिए ये बचा 2x माइनस
3, और इसमें से आप कुछ नहीं 1 कॉमन ले लीजिए तो यह आएगा 2x-3। तो इसमें से जब आप दोनों में से 2x-3 कॉमन लेंगे तो यह आ जाएगा 2x-3 इंटू 3x+1। जब आप एफ एक्स को 0 करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो यह आपका आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 2x-3 इंटू 3x+1, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाए, तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कहेंगे कि इधर 2x-3 इज इक्वल टू 0 और 3x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से आपकी आएगी 3/2 और यहां से आएगी x इज इक्वल टू -1/3। अरे क्वेश्चन सॉल्विंग तो आप लोगों को आ ही गई होगी, वो बताने की तो जरूरत है नहीं। तो अल्फा की वैल्यू 1√3/2, बीटा की वैल्यू 1√-1/3, ये हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आ गए। ठीक, पॉलिनोमियल के जीरोज हमने निकाल ली, अब रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अल्फा प्लस बीटा 3/2 एंड -1/3, 3/2 -1/3 एलसीएम लिया, 6 आ गया, 2 3 6, 3 3 9, 3 2 6 -2 विच इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा आपका आएगा 3/2 इंटू -1/3, ये कट गया, कितना बचा -1/2। अब जो गिवन इक्वेशन है आपको 6x² - 7x - 3, यही इक्वेशन है ना आपके, इसको आप कंपेयर करिए किससे, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो कंपेयरिंग बिटवीन ax² + bx + c, वी गेट a की वैल्यू कितनी आ गई 6, b की वैल्यू कितनी आ गई -7 एंड c की वैल्यू कितनी आ गई -3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू -7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। क्या ये रिजल्ट मैच किया? बिल्कुल मैच किया। अल्फा इंटू बीटा ये आपका आ जाएगा c/a विच इज -c/a विच इज इक्वल टू -3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। क्या ये रिजल्ट मैच किया? बिल्कुल। तो ये तीनों क्वेश्चंस के रिजल्ट्स अभी तक तो मैच कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कितने सोच समझ के बनाए जाते हैं, आपको हर एक चीज का ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी, जैसे बाकी कोई किताब उठाएंगे तो सब में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को अगर छोड़ दीजिए तो इन सब में एक्स में ही इक्वेशन बना देते हैं। एनसीईआरटी वाले हर टाइप की डिफरेंट इक्वेशंस बनाई गई हैं, वेरिएबल्स बदले जाते हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है कि भाई बच्चे को कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। फिर पता नहीं क्यों लोग एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। चलिए 4u² + 8u + स्टार्ट। तो एफ एक्स आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल 4u² + 8u, इसमें से आप 4u कॉमन ले लीजिए तो ये आ जाएगा u+2। ठीक, ये आएगा। चलिए अब यहां से हम जीरोज निकालते हैं, तो जीरोज आप क्या आ गए, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज यू 4u इंटू u+2 इज इक्वल टू 0, या तो 4u की वैल्यू 0 हो जाए और u+2 की वैल्यू 0 हो जाए, तो u की वैल्यू या तो 0 हो या u की वैल्यू -2 हो। ये है आपका अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। देखो इसमें किसी को भी आप अल्फा बीटा बोल सकते हो, इट डजंट मैटर, ऑर्डर इज नॉट, ऑर्डर इज इमटेरियल। ये नहीं कह रहे नहीं भाई मैं तो अल्फा इसको ले लिया तो मेरा आंसर गलत आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी को भी अल्फा लेते रहिए। तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा 0 - 2 इज इक्वल टू -2, अल्फा इंटू बीटा 0 - 2 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन जो दी हुई है 4u² + 8u, इसको आप कंपेयर करिए ax² + bx + c से। यहां पर क्या होगा, प्लस जीरो तो लिख ही सकते हैं ना, यहां पर कांस्टेंट वाला टर्म नहीं दिया हुआ है, तो कांस्टेंट वाला टर्म हम बोलेंगे इज जीरो। तो ये आपका आ गया a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, c की वैल्यू 0। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बताया गया कोएफिशिएंट्स में, -b/a विच इज इक्वल टू -8/4 विच इज इक्वल टू -2। क्या सही रिजल्ट आया? बिल्कुल सही। अल्फा इंटू बीटा c की वैल्यू 0 बाई
फोर सी बाई ए भी लिख दीजिए, पहले आप फॉर्मूला लिखा करिए विच इज इक्वल टू जीरो बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। क्या ये दोनों रिजल्ट मैच किए? बिल्कुल मैच किए, पर फोर्थ क्वेश्चन भी इस पार्ट को सेटिस्फाई कर गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, टी स्क्वायर माइनस 15। देखिए वैरायटी देखिए क्वेश्चंस की, पूरे फैक्टराइज होने वाले, एक परफेक्ट स्क्वायर वाला, एक में कांस्टेंट टर्म गायब है, एक में मिडिल टर्म गायब है। यू गॉट टू बी यू नो प्राउड ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी देख के कभी कोई दिल खुश हो जाने की, पता नहीं लोगों को एनसीईआरटी देख के घृणा भाव उत्पन्न होता है, मुझे तो एनसीईआरटी देख के बड़ी खुशी होती है, एटलीस्ट दे हैव डन समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स। चलिए आपको एफ ऑफ टी दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस 15, एफ ऑफ अब इसको फैक्टराइज करने की तो जरूरत है नहीं, कैसे? ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस सॉरी टी प्लस रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जीरो क्या देगा, टी माइनस रूट 15 इंटू टी प्लस रूट 15 की वैल्यू जीरो हो जाए, तो यहां से आपको मिलेगा इधर टी इज इक्वल टू रूट 15, या एक बार और लिख ही दीजिए टी माइनस रूट 15 या तो जीरो हो जाए और टी प्लस रूट 15 जीरो हो, यहां से आपको मिलेगा या तो टी की वैल्यू रूट 15 हो सकती है या टी की वैल्यू माइनस रूट 15 हो सकती है, तो अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू, चलिए अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आएगा प्लस रूट 15 माइनस रूट 15, दोनों कट्टम कट्टा जीरो, अल्फा इंटू बीटा रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 माइनस 15, फिर रूट 15 का स्क्वायर हो जाएगा 15 आ जाएगा। चलिए अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस 15, यही दिया हुआ ना, सारे टर्म्स होने चाहिए, ये ध्यान रखना है सारे टर्म्स होंगे तभी आप कंपेयर कर सकते हैं, तो इसको आप कंपेयर करिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू माइनस 15, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0/1 विच इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस 15/1 विच इज इक्वल टू माइनस 15। क्या दोनों कंपेयर करके मैच कर गए? बिल्कुल सही, ये जीरो आ गया, ये माइनस 15 आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन बाकी है, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर दैट इज द पार्ट नंबर सिक्स पार्ट। आई होप कि आप सब लोगों ने ये सब कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप समझ में आ रहे होंगे। पार्ट सिक्स इट सेज 3x² - x - 4 3x² - x - 4, तो ये आपका आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² - x - 4, तो इसको फैक्टराइज करते हैं, ये आएगा 3x², प्रोडक्ट क्या है -12, सम क्या है -1, ऐसे दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट -12 हो और सम -1, -4 इंटू, देखो बेसिकली नंबर्स ढूंढने का तरीका बहुत आसान होता है, इसको फैक्टराइज कर दीजिए तो 4 इंटू 3 मिल रहा है, 6 इंटू 2 भी हो सकता है, 4 इंटू 3 भी हो सकता है, हमें डिफरेंस कितना चाहिए 1 का, तो अब यहां पर आप 3-4 लिखेंगे, अगर +1 होता तो हम 3-4 लेते और अगर -1 है तो -4 3 लेंगे, तो नंबर्स क्या हो गए -4 and +3, पुट कर दीजिए तो 3x² - 4x + 3x - 4, इसमें से आप 3 और 4 में से कुछ नहीं कॉमन ले सकते, x लीजिए 3x - 4 + 1 times 3x - 4, तो ये आ गया आपका 3x - 4 × x + 1, 3x - 4 × x + 1, f of x को 0 करेंगे तो आपको मिलेगा 3x - 4 × x + 1 = 0 और 3x - 4, इन दोनों फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर 0 हो जाए तो हमारा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 4/3 और x की वैल्यू होगी -1, तो हम कहेंगे कि अल्फा की वैल्यू 4/3 ले लीजिए, बीटा की वैल्यू -1 ले लीजिए, इट डजंट मैटर कि आप किसको क्या लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वेरिफिकेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1 विच इज इक्वल टू 4 - 3/3 और 1 बाई
3, यही आना चाहिए ना। एलसीएम लेंगे ये 3 हो जाएगा 4 माइनस 3 बाई 3, अल्फा इंटू बीटा 4 बाई 3 इंटू माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3। आपकी इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, कंपेयरिंग इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी आ गई 3, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 4। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 3 विच इज इक्वल टू 1 बाई 3। क्या मैच किया? बिल्कुल मैच किया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आएगी वॉट, c बाई ए, तो c बाई ए, c की वैल्यू है आपकी माइनस 4 और a की वैल्यू है 3, तो प्रोडक्ट आ गया माइनस 4 बाई 3। क्या ये मैच किया? बिल्कुल। इसका मतलब इन 6 की 6 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, जिसमें एनसीईआरटी ने अपना पूरा हर टाइप की वैरायटी इंक्लूड कर दी है, हमने सॉल्व करके ये पता कर लिया कि भाई जीरोज निकाले कैसे जाते हैं, और जो रिलेशन हमने पढ़े अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, ये सारे के सारे होल्ड करते हैं। ठीक है बच्चों, तो गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब एक क्वेश्चन इस वीडियो में, एक क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाएंगे, हम इस एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आपको अब उल्टी चीज दी हुई है, अभी तक आपको क्या दिया हुआ था? पॉलिनोमियल दिया हुआ था आपको, जीरोस निकाल के अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा वेरीफाई करना था। अभी आपको क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच ऑफ विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जीरोज नहीं दिए हैं, ये जीरोज नहीं दिए हैं, ये क्या दिए हैं? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस ऑर्डर में दिया हुआ है। मतलब आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक निकालनी है, देखिए अगर सीधे रूट्स दे देता तब तुम सीधे मल्टीप्लाई कर देते ना कि x माइनस 4 इंटू x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक हो गई इसकी, इसी तरह सबका आप लिख दीजिए। लेकिन उसने ये नहीं दिया है, उसने क्या दिया है आपको? उसने दिया है आपको सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 बाई 4 है फर्स्ट पार्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 बाई 4 है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1 है। यहां से आपको कैलकुलेट करके फाइंड करनी है वो पॉलिनोमियल जिसके की रूट्स, जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये आ जाए। ठीक, तो देखिए हमें आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू 1 बाई 4 एंड अल्फा बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। तो यहां से आपको मिलेगा, एक कंपेयर करिए तो ए की वैल्यू कितनी मिली 4, बी की वैल्यू माइनस 1 एंड सी की वैल्यू माइनस टाइम्स ए विच इज इक्वल टू माइनस 4। कैसे किया हमने? देखिए इस रेशियो में जो भी है, हमने आपको बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल होता है उस पॉलिनोमियल के बाहर आप कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस पॉलिनोमियल के रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना उसके सम ऑफ रूट्स पे फर्क पड़ेगा ना उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे फर्क पड़ेगा। तो ये वही के है जो यहां से कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो उसको हम इग्नोर कर देंगे। इसको देखिए, ए की जगह हम 4 पुट कर देते हैं, बी की जगह 1, बी की जगह माइनस 1 पुट कर दीजिए और ए की जगह 4 पुट कर दीजिए और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इज इक्वल टू माइनस ए मिलेगा और ए की वैल्यू ऑलरेडी हम 4 मान चुके हैं तो सी की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 4। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी? लिख दीजिए यहां पे कि लेट द क्वाड्रेटिक बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, ये क्वाड्रेटिक आपने मान ली है, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 1 और सी की वैल्यू माइनस 4। ये आपका वो पॉलिनोमियल है जिसके कि सम ऑफ रूट्स 1 बाई 4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस 1 आएंगे। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं, माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस 1 बाई 4 सम ऑफ रूट्स एंड सी बाई ए माइनस 4 बाई 4 विच इज इक्वल टू माइनस 1 इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वही दिया हुआ है 1 बाई 4 एंड माइनस 1। ठीक, चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पर चलते हैं। अब हम सबके लिए कॉमन यही लिखते हैं कि लेट द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, गिवन है, आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू रूट टू इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए अपॉन वन भी कर दीजिए, एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री, ठीक है बच्चों। तो ये डेटा आपको गिवन है। अब देखिए, कई बार आपके दिमाग में आएगा कि तीन वेरिएबल्स हैं, इक्वेशंस दो हैं, कैसे निकालने हैं सर्टेनिटी के साथ। तो देखिए, हम इसका आपको स्टैंडर्ड तरीका बता देते हैं जिससे आप डायरेक्टली वैल्यूज प्रेडिक्ट कर ले जाएंगे। वैसे तो एक जो हमने आपको इक्वेशन लिखवाई थी क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमेशा आपकी जो इक्वेशन होती है वो बन जाएगी। जैसे इसमें आप पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस रूट टू एक्स प्लस वन बाई थ्री। अब इस पूरी इक्वेशन को आप थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, थ्री टाइम्स थ्री एक्स स्क्वायर, रादर वन बाई थ्री टाइम्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, यही आपका आंसर है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन। लेकिन अभी आपको इस तरीके से तो बुक में दिया नहीं गया, या स्कूल में अगर ऐसे बताया जाए तो ही करिए, बाकी डायरेक्ट आपको हम एक तरीका बताते हैं। इसमें क्या करना होता है कि यहां पर दो फ्रैक्शंस आपके सामने आते हैं, एक माइनस बी बाई ए एक सी बाई ए, आपने करना क्या है कि इसके डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं। डिनोमिनेटर सेम करने से क्या होगा, यहां पर भी डिनोमिनेटर में ए, यहां पर भी डिनोमिनेटर में ए, तो जो भी डिनोमिनेटर में नंबर आता है ना वो ए हो जाएगा आपका। तो इसको हम लिख सकते हैं कि बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस थ्री रूट टू बाई थ्री एंड सी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई थ्री। अब देखिए सीधा, ए की वैल्यू थ्री, बी की वैल्यू माइनस थ्री रूट टू, सी की वैल्यू वन, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या बनी, ए बी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट सॉरी माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन, ठीक। चलिए अगले पे बढ़ते हैं, पहली लाइन हम ऐसे ही छोड़ देंगे, बाकी आगे का प्रोसीजर ऐसे ही चलेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू रूट फाइव, ठीक, दोनों में डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है, रूट फाइव बाई वन एंड ये सी बाई ए है आपका, और इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, a की वैल्यू इस माइनस साइन को इधर ले आइए तो आपको आएगा b बाई a इज इक्वल टू जीरो बाई वन एंड c बाई a इज इक्वल टू रूट फाइव बाई वन। अब ये जीरो को हटाइए मत, b की वैल्यू जीरो, a की वैल्यू वन, c की वैल्यू रूट फाइव, तो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर जीरो एक्स प्लस रूट फाइव और एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव, 5 है या 15 है, लेट मी चेक द क्वेश्चन अगेन, हाँ रूट 5 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 इज योर आंसर। चलिए थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ, ये थर्ड पार्ट था बच्चों, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वन बाई वन इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू वन। तो यहां से आपको क्या मिला, बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस वन बाई वन एंड सी बाई ए इज इक्वल टू वन बाई वन, ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस वन, सी की वैल्यू वन, पुट कर दीजिए तो यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज द आंसर फॉर फोर्थ पार्ट। चलिए फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट सेज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर इज इक्वल टू सी बाई ए। तो इसमें तो आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो b बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई फोर एंड c बाई ए की वैल्यू आ गई 1 बाई फोर।
तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, देयरफॉर क्वाड्रेटिक क्या बनेगी, उसमें पुट करिए ए की वैल्यू 4, 4x² बी की वैल्यू 1 प्लस एक्स, सी की वैल्यू 1 प्लस 1, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, पार्ट 6, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। पार्ट 6 कह रहा है 4 and 1, फोर्थ पार्ट हमने किया, हाँ कर ही लिया होगा। सिक्स पार्ट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस पी बाई ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए इज इक्वल टू 1। तो ये आपका आ गया बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस 4/1 रिलेशन 1 एंड सी बाई ए इज इक्वल टू 1/1। तो बी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 4, सी की वैल्यू 1, देयरफॉर इक्वेशन पुट कर दीजिए x² की जगह x² माइनस 4x प्लस 1, x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका सिक्स्थ पार्ट का आंसर है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.2 का डिस्कशन। इससे पहले कि हम आगे की बातें आपको बताएं, लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक अवर वीडियोस एंड डाउनलोड अवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना काफी है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।